हाँ जी, तो आप क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, एक बार गिवन पार्ट लिख लें इसका, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, डीके गोयल, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है पी क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, पी क्यू एंड आर, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 1:1:1। ये पीएसआर है, और ओल्ड नाम दे देते हैं क्योंकि न्यू पीएसआर आगे दे रखी होगी। आगे क्या कहता है, दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/7 शेयर इन फ्यूचर। तो न्यू रेशियो के लिए इन्होंने कुछ बात कही है कि आगे से आर को जो मिलेगा ना, 1/7 ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, और कुछ नहीं कहा। इसका क्या करना है अभी मैं आपको समझाता हूं। न्यू के लिए 1/7 आर का बता दिया और कुछ नहीं कहा। चलिए, ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000। आज के दिन गुडविल कितनी रखी गई है, जिस दिन चेंज हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹42,000। चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन, गिव जर्नल एंट्रीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें जर्नल एंट्री देनी है जो कि इस समय हमें करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज के समय हमें करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, और सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, और मैं दोनों मेथड से कराऊंगा आपको। एक तो हम करेंगे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लें तीनों पार्टनर्स की, और दूसरा बगैर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें विदाउट फाइंडिंग और कंप्यूटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कर कर देखेंगे, यानी दोनों मेथड से करते हैं इसको। तो पहले एक काम करें, सिंपल कर लेते हैं विदाउट फाइंडिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, सिंपल कर लेते हैं। तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जर्नल एंट्री दोनों में सेम होगी तो जर्नल एंट्री एक बार लिख दूंगा। पहले मेथड में हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल का जो एडजस्टमेंट करना है उसके लिए स्टेटमेंट बना रहे हैं। पार्टनर्स है हमारे पास P, Q एंड R, तीन पार्टनर है, ठीक है। चलिए, तो गुडविल के लिए आपको पता है, जब ओल्ड और न्यू रेशियो की बात करते हैं तो हम कहते हैं गुडविल मिलनी किस रेशियो में चाहिए, ओल्ड में, क्योंकि पास्ट की मेहनत है, होना मिलनी फ्यूचर में है, बट बटनी तो ओल्ड में चाहिए क्योंकि मेहनत पास्ट की है, बट क्योंकि आज बट नहीं रही, आज ये पैसा मिल ही नहीं रहा तो फ्यूचर में मिलेगा, तो बाय मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली ये फ्यूचर में फ्यूचर के प्रॉफिट के साथ मिल जाएगा। तो होना क्या चाहिए वो लिखें, शुड हैव डन। होना क्या चाहिए, ये जो गुडविल है इस गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, और गुडविल कितनी है, 42,000। 42,000 को जरा 3 से डिवाइड कर दीजिए, इनके हिस्से आ जाएंगे, कितना आ जाएगा एक हिस्सा, 14,000, ठीक है, 14,000 आ गया हिस्सा तीनों का, 14,000 ईच। चलिए, ये तो होना चाहिए, बट क्योंकि आज तो गुडविल अराइज नहीं हो रही है, तो अराइज फ्यूचर में होगी, हमने एस्टिमेट किया आज, तो इसे कैलकुलेट किया है कि फ्यूचर में गुडविल का कितना फायदा होने वाला है, और जो फायदा होने वाला है वो ऐसे ऐसे बटना चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट वी विल बी डूइंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल इन न्यू रेशियो। हम इसे न्यू रेशियो में बांटेंगे, और न्यू रेशियो में निकलवा नहीं रहा आपको, मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूं। आप मुझे बताइए फ्यूचर में क्या होने वाला है, आर को मिलेगा 1/7 शेयर। आर को जब 1/7 मिल गया और कुछ नहीं कहा क्वेश्चन ने, तो आपस में पी और क्यू की रेशियो क्या है, पी और क्यू की रेशियो इक्वल है, तो एक काम करें, हम 42,000 का 1/7 निकाल लेते हैं, वो आर को दे देते हैं फ्यूचर में, और जो बच जाएगा वो पी और क्यू में बराबर बराबर बांट देंगे, इक्वल रेशियो में बांट देंगे। तो जरा 42,000 का 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 6,000 रुपए, ठीक है। तो आर को फ्यूचर में क्या मिलेगा, 6,000, ठीक है, और 6,000 निकालने के बाद कितना बच गया, 42 में से 6,000 गए तो कितने बच गए, ये आ गए हमारे पास 36,000। 36,000 के दो हिस्से कर लेते हैं, और दोनों हिस्से आधा हिस्सा इसको और आधा हिस्सा इसको, तो 36,000
36,000 के दो हिस्से हुए, कितना आ गया 18,000। 18,000 हमने दिया पी को और 18,000 दिया हमने क्यू को। चलिए इसका इसका कंपैरिजन करें। देखिए आर को मिलना कितना चाहिए गुडविल का हिस्सा 14,000, बट फ्यूचर में मिलेगा क्या केवल 6,000, तो हमें कुछ और देना पड़ेगा इसको, क्या मिलेगा फ्यूचर में, तो डिफरेंस हम दे देते हैं इसको, कितना आ गया ये 8,000। 8,000 और दे दो यानी इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। Q की बात करें तो Q को मिलना चाहिए केवल 14,000, बट फ्यूचर में कितना मिलेगा 18,000। ठीक है, तो इसका क्या करना चाहिए हमें, इससे वापस लेना चाहिए आज 4,000 रुपए ताकि एडजस्टमेंट कर पाए। सेम केस है P का भी, P को मिलना चाहिए 14,000 और फ्यूचर में कितना मिलेगा 18,000 रुपीज, तो इससे भी 4,000 वापस ले लें यानी इसका अकाउंट भी डेबिट कर दें। चलिए तो ये एडजस्टमेंट आ गया, ये हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कि P और Q का अकाउंट तो डेबिट करो 4,000 से और R का अकाउंट क्रेडिट कर दो ताकि गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाए एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब मैं इसी चीज को आपको एक दूसरे मेथड से निकलवा के बताता हूं हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में मैंने ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकाली है यहाँ पर और उसे आपको फ्रैक्शन में ना बताकर मैंने अमाउंट में बता दिया। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे इसी चीज को हम पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और सेक्रीफाइस और गेन देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आप एक काम कर सकते हैं या फिर सेक्रीफाइस गेन ना दिखाकर मैं आपको यही बता दूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी यही पैसा बचेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरा निकालें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, ये वर्किंग नोट नंबर रख लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर जैसे 1 था तो इसे 2 रख लेते हैं, काम करते हैं इसे वर्किंग नोट नंबर 1 दे देते हैं, पर 1 ही रखते हैं क्योंकि आप दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। ठीक है, 2 रख दूं, चलो ठीक है अलग से रख लेता हूं, जरूरत पड़े तो कर लेना। ठीक है, आप एक काम करो, टेंशन नहीं रहेगी, आप इसके साथ में लिख दीजिएगा न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो में ऐसे ही बटेगा जो मैंने करके दिखाया आपको। देखिए ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास, ओल्ड रेशियो है 1:3, 1:3 एंड 1:3, पी क्यू एंड आर। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या बोला है, एडजस्टमेंट बोला है उसने कि हमने इसे 1/7 दे दिया। न्यू रेशियो में एडजस्टमेंट बोला गया कि जो फ्यूचर में होने वाला है इसे हमने 1/7 दिया, तो बच कितना गया, हमने प्रॉफिट का 1/7 दे दिया आर को, तो बच गया कितना हिस्सा 6/7, 6/7 बच गया। अब 6/7 को ये दोनों आधा आधा बांट लेंगे क्योंकि इनके बारे में तो कुछ नहीं कहा ना कि आपस में पी और क्यू प्रॉफिट को कैसे बांटने वाले हैं, कुछ भी नहीं कहा तो इक्वल बांट लेंगे यानी 50% 50% दोनों ले लेंगे। इसको सॉल्व कर लें जरा इस एडजस्टमेंट को, ये कितना आ गया 6/14, 6/14 है, इसका भी जरा डिनोमिनेटर बराबर करें, 14 ही करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2/14। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई आपकी इसकी 6:6:2, या फिर आप इसे कह सकते हैं और 3:3:1। ठीक है, यही हमने किया है। देखिए ये जो मैंने बांटा है ये इसी रेशियो में बांटा है, आपको यकीन ना है तो बांट कर देख लीजिए 3:3:1 में। 3:3:1 का मतलब क्या हो गया, 7 हिस्से किए हमने, 42,000 के 7 हिस्से किए, एक हिस्सा कितना आ गया बेटा 6,000 का। ठीक है, 6,000 आया तो एक हिस्सा देखो 6,000 है और 6 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करो 18, इन दोनों को 18 दिया, तो आप कहें तो इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल कर भी कर सकते, जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया बाद में, मैंने यही बात आपको अमाउंट में बता दी थी, यहां मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के बताई है। तो दूसरा मेथड ये भी है, इससे भी आप कर सकते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए आपके पास आ गया है, इसकी जर्नल एंट्री कर लें, अब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं, क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, अकाउंट डेबिट होंगे पी और क्यू के, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए हो गया, अमाउंट क्या है 4,000, 4,000 और 8,000। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड,
बस यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर मेरे हिसाब से आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी, आप इसे विदाउट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे कहीं नहीं बोला उसने कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल कर बताइए। मैं सीधे ही ऐसे कह सकता था कि साहब 1/7 इसे मिलेगा, 1/7 मतलब कितना हो गया 42,000 का, 42,000 का 6,000 बच गया कितना 36,000, 36,000 को कुछ नहीं कहा तो बराबर बराबर बांट लेंगे फ्यूचर में। ये अमाउंट मैंने निकाली है विदाउट फ्रैक्शन, प्रपोर्शन में नहीं निकाला, तो विदाउट प्रपोर्शन मैंने निकाल के दिखाया। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये बात समझ में आए कि मैंने कैसे किया है, तो आप 3:3:1 की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट कर देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए आप इसे। हाँ जी, देखिए बेटा, जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं बच्चे, मैं उनके लिए बता दूं, हमारे चैनल का नाम है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है, YouTube से SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, YouTube पर आप जाइए और SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो हमारी सारी वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। आप चाहे तो हमें Facebook पर भी सर्च कर सकते हैं SR अकाउंटेंसी के नाम से ही, ठीक है। इसके बाद आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप YouTube पर मुझे कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं आपके डाउट और क्वेरीज को। जब आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट कॉलम आता है वीडियो के नीचे, वहां आप अपने डाउट्स और क्वेरीज को लिख सकते हैं, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा। इसके बाद आप अगर मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं, ठीक है, 9261004×7 आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, यानी आपको बार बार चैनल पे जाके टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी सारी वीडियोस के एसेस के लिए, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस बार आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, आप इसे लिख लीजिए, आगे चलते हैं।